आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप इस लॉकडाउन में बिहार में फंसे हुए हैं, अगर आप अपना घर जाना चाहते हैं, अपने राज्य जाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप बिहार किसी कारण से आए थे, या काम करने के लिए, या घूमने से, या आपकी जॉब है, या किसी भी कारण से बिहार आए थे, लेकिन इस लॉकडाउन में आप बिहार में फंस चुके हैं, तो किस तरह इस लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया वेबसाइट का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे या ब्राउजर में सर्च करेंगे govind90.bihar.gov.in, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट कुछ इस तरह से पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोग पंजीकरण हेतु लिंक, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे ये फॉर्म आपको हिंदी में मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को इंग्लिश में भरने के लिए, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप किस कारणवश बिहार में फंसे, आप बिहार में क्या कर रहे थे, कि आप प्रवासी श्रमिक है, या विद्यार्थी, या तीर्थ यात्रा, या अन्य। अगर आप अन सेलेक्ट करते हैं, अन में आपको कारण देना होगा, अन कारण, ठीक है। अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम दीजिए। अपना नाम देने के बाद यहाँ पूछ रहा है आपका उम्र, अपना उम्र देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लिंग, अपना दीजिए लिंग, फीमेल या मेल, पुरुष महिला। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पूछ रहा है यात्रा करने की संभावित तिथि, यानी कि आप कितने तारीख को जाना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगी। तो आज 3 तारीख है, तो यहाँ पे मैं 10 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कह रहा है बिहार राज्य जहाँ रह, पूछ रहा है बिहार में आप जहाँ फंसे हैं, वो किस कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए, वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फंसे हुए हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका ब्लॉक, आप किस ब्लॉक में फंसे हुए हैं, जिस ब्लॉक में फंसे हुए ब्लॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आप में कोरोना बीमारी से संबंधित कोई लक्ष्य है, हाँ या नहीं, इसमें अपने हिसाब से देंगे। उसके बाद कह रहे हैं आप कितने व्यक्ति के साथ बिहार से बाहर जा रहे हैं, मतलब क्या कितने आदमी के साथ बिहार में फंसे हुए हैं, फैमिली के साथ है तो फैमिली में कितने मेंबर वो देंगे, अगर खुद है तो एक का एक देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे आप किस वाहन से जाना, सरकार द्वारा व्यवस्था की गई गाड़ी से, या खुद की अपनी निजी गाड़ी से जाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है बिहार से बाहर किस राज्य में यात्रा कर रहे हैं, आप किस राज्य में जाना चाहते हैं, आपका घर कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शहर का नाम देना होगा। यहाँ पे क्या है, क्या आप कभी भी क्वारंटाइन कैंप में रहे हैं, यस या नो। उसके बाद यहाँ पे मैं घोषणा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करें, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे ओटीपी देने के बाद आपको यहाँ पे कर देना होगा सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाता है। उसके बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें गवर्नमेंट की ओर से कॉल आएगा, जब भी जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन किस लिए किया गया, यहाँ पे देखिए, जो कोई भी लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद वायु, रेलवे अथवा सड़क मार्ग से बिहार लौटना चाहते हुए यह फॉर्म भरकर स्वयं निबंधित करें, ठीक। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब इस गवर्नमेंट के अधिकारी द्वारा कॉल आएगा, हमें जहाँ भी बुलाएगा, जिस भी स्टेशन पे वहाँ जाएंगे, वहाँ से हमें वो हमारे घर तक ड्राइव कर देंगे, हमारे घर तक पहुँचा देंगे। तो उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आप राजस्थान में फंसे तो राजस्थान में आप किस तरह अपने घर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैंने बताया हूँ।